नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों चलिए राजस्थान के रण में अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी आखिरकार क्या कर रहे हैं। तीन लोग कर रहे हैं पूरा खेल। राहुल बोले, ध्यान भटकाने वाली मोदी, जेब कतरा अडानी और लाठी मारने वाला शाह। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अडानी को घेरा, अमित शाह पर भी निशाना साधा, गृहमंत्री और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को धौलपुर में राजा अखेड़ा के मानिया कस्बे में एक जनसभा को संबोधित कर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी के नेता भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारत माता है कौन? ये भारत माता भारत की जनता है और हम जनता की जय करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए ओबीसी की भागीदारी पर केंद्र सरकार को घेरा। यानी राहुल गांधी, आप सुनते होंगे राहुल गांधी कहीं ना कहीं ओबीसी को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी जंग बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक शब्द राहुल गांधी ने कहा और शायद पनौती शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। शायद उनको इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं करना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरीके की शब्दावली जब आती है किसी बड़े नेता से तो वो लोग सोचते जरूर हैं। राहुल गांधी को शायद शब्दों पर थोड़ा सोचना चाहिए, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल देश के पीएम के लिए करना चाहिए या नहीं। बहरहाल राहुल गांधी भी ये चाहते होंगे कहीं ना कहीं वो पीएम बने। अगर वो पीएम बनते, इस तरीके की शब्दावली का अगर इस्तेमाल करते तो कैसा लगता, कोई उनके लिए करता तो कैसा लगता। बहरहाल बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया गया है, इस पर पलटवार भी किया गया है। राहुल गांधी और क्या कुछ बोले मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी चाहती है हिंदुस्तान बने, दो हिंदुस्तान बने। अब आप ये अधिकांशतः सुनते होंगे राहुल गांधी दो हिंदुस्तान की बात करते, एक बार फिर उन्होंने अपनी बातें उठाई हैं और हम करवाएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। बहरहाल राहुल गांधी अपनी अपनी सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी बातें रख रही हैं, कह रही हैं। आरोप और प्रत्यारोप के दौर ये जारी रहेंगे।